Cheers. Cheers, mate. But yeah, we should do this more often. Yeah. Just all work, no play. Yeah. I can't remember the last time we went to a rugby game or a movie. No, that's for sure, man. Yeah. Need a break, eh? What did you get that? Real sign up? Sorry. Chakla. And then, yeah, deal sign hoodie. That's just, yeah, a little bit stressful. You? That's funny. I think I chakla. So, yeah. Okay, sara kuch? Hey, Junania bar bar phone like. हेलो आयशान हाँ जी मैम आयशान कहाँ पे मैम हम बार में कब से हो मैम सुबह से अच्छा सुबह से ठीक है हाँ उसको फोन पकड़ाना जरा आता हूँ एक मिनट चकला सुबह से कहाँ हो सर मीटिंग पर मैंने आज आपको दो दफा बहुत क्लियरली बताया था कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं और आज आप ना तो पियोगे और ना ही कहीं जाओगे और वक्त पर घर आओगे मैं कुछ नहीं जानती समर मुझे आप घर पे चाहिए बार बार फोन करके दिमाग ना खा आ जाना मैं यहाँ पे तुम ही ना बस कह रहे थे मीटिंग सॉरी उसे टीवी तो देखो कितना बड़ा है ना हाँ यहाँ पे टीवी देखने के लिए आया ना हुसैन कहे थे दोस्त का शौहर आते होंगे अभी काम से टाइम देखा है दिमाग थोड़ा ठंडा रखो हुसैन प्लीज अच्छा ठीक है मैं जानवी को देख कर आती हूँ लाओ जानवी मैं भी कुछ करवा देती हूँ अरे नहीं आप बैठो मैं कर दूंगी नहीं नहीं लाओ कुछ हेल्प कर दूंगी कोई बात नहीं और स्टोर में कैसा था बस ठीक था बिजी था अच्छा आपने हसैन से बात की काम के लिए नहीं मैंने अभी कोई बात नहीं की क्यों काम से लेट से आते हैं और फिर मुझे डर लगता है देखो फिर दोस्त तुम काम करोगी तभी तो घर में पैसा आएगा तभी तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश होगी अच्छी तरह से हमारे पास भी ये हमेशा से नहीं था हम दोनों ने साथ मिल के काम किया है तभी पैसे आते हैं सोचो जरा मैं तो समझती हूँ पर उनको तो तुम जानते हो ना देखो आज वो यहाँ आए हुए हैं ना तुम बात को छेड़ लेना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ठीक है ठीक अभी तुम ये लेके जाओ मैं आती हूँ ठीक है हुसैन चलो खाना तैयार है चलो खाना खा लेते जानू भाई साहब आए नहीं थे जी वो भी आते ही होंगे आप आज थोड़ा काम ज्यादा हो गया था अच्छा आप लीजिए ना सब नहीं खाएंगे बस भाई साहब को आ जाएंगे पापा आगे जी शुक्रिया मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ बिजनेस कैसे चल रहा है बस खुदा की रहमत है एक्चुअली मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है मेरी एक वर्कशॉप है जो पिछले 12 साल से चला रहा हूँ मैकेनिक है तुम हाँ जी मैं मैकेनिक हूँ फिर दोस्त आपने भाई साहब से बात की काम के बारे में नहीं बाद में बात कर लेती हूँ मैं किस बारे में बात करनी थी नहीं मतलब मैं बात करने ही वाली थी जानवी के स्टोर में एक ओपनिंग है पार्ट टाइम जॉब की बहुत अच्छी सैलरी है और घर के पास ही है तो जानवी कह रही तो आप काम करोगी भाई साहब इतनी अच्छी बहन जी रुकिए एक सेकंड हुसैन ऐसी बात नहीं है पहले इनकी बात तो सुनो क्या मेरे पैसों से घर नहीं चलता भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं मोहतरमा आप प्लीज चुप ही रहिए क्या क्या बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहा
आप कुछ लीजिए ना जी। आपने जिस चीज के लिए बुलाया था जितना सुनना था हमने सुन लिया, अब बहुत है। चलो चलो फिर दोस्त। भाई साहब यूसुफ चल चलो। भाई साहब भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जी माफ करना, खुदा हाफिज़ यूसुफ। चलो चलो भाई साहब। और फिर चले गया मैकेनिक। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बहुत तमीज दिखाई ना तुमने। तमीज तमीज तो हुसैन ने दिखाई, मेरे घर आके मेरी जनानी ने बोल गया। कसम मेरा बच्चा आपने होमवर्क नहीं किया ना, जाके अपना होमवर्क कर, मम्मी अभी आती होगी। ठीक है, वो तमीज नहीं दिखा रहा था, तुम तो कर सकते थे ना सपोर्ट मुझे। सपोर्ट आ सारा से आपा दे रहा पाया और दे जाओ। समर मैं अपने दोस्त को सपोर्ट कर रही थी, बाकी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो दिन भर बार में। दारू नहीं कुछ कहना, तेरी पे तो नहीं मांग के पींदा मैं। मैंने कब कुछ कहा है, मैं तो कह रही हूँ ना पीते रहो, लिवर तुम्हारा सड़ गया, एक दिन तुम्हारा दिमाग भी सड़ जाएगा। ओए तमीज ना कर। समर मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। ठीक है समर के शराब पीने की आदत उसके परिवार को प्रभावित कर रही है। एक तरफ उसकी पत्नी जाह्नवी की अपने दोस्तों के बीच सामाजिक स्तर को ठेस पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ उनके बेटे गौतम पर भी इसका असर पड़ रहा है। ज़्यादा शराब पीने से रिश्ते में दुख और तनाव होता है, जिससे झगड़े और हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। शराब हिंसा के लिए भाग्यदारी हो सकती है, लेकिन हिंसा के लिए इसको बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा शराब पीने से आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। हुसैन ने शराब पीने से मना कर एक शांत वाहन चालक होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। यदि आप शराब पी रहे हैं तो कृपया ड्राइव मत कीजिए। जिथे काबू करने वाला विहार हिंसक हो जाता है तो तुहानू अपनी सुरक्षा वास्ते डर महसूस होता है, उदों तुसी पुलिस नू कॉल करो। असी दूजियां समर्थक संस्थावां दे नाल रल के काम करते हाँ। मानसिक हिंसा विच काबू करने वाला वर्ताव एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इस विच अपराधी कई तरीकों नाल काबू करन दे तरीके वरत सकता है, जिवें कि पैसों का दुरउपयोग या पैसे उत्ते काबू करना। यह भी एक किस्म की परिवारिक हिंसा है। यह एक अणदिख रूप विच पीड़ता नूं हिंसक रिश्तों विच जकड़ लैंदा है। कई मामलों यह भी हुंदा है कि अपराधी समाजिक संबंध या समाज विच विचरना ही नहीं चाहता। पेरेंट्स योर चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय वर्बल आर्ग्यूमेंट्स एंड फिजिकल वायलेंस। हियरिंग लव्ड वंस फाइटिंग और सीइंग समवन गेट इंजर्ड makes kids feel scared, alone, and isolated. They may start thinking that violence is an acceptable behavior. Emotional symptoms include low self-esteem, bedwetting, and nightmares. These affect the way kids develop. Guys? Morning, ma'am. Ma'am? 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 हाँ जी। क्या हुआ तो ना? कुछ अपसेट लग देने थोड़े? नहीं नहीं, तुम इतनी खुश क्यों?
ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਹਾਫ ਡੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਟਸ ਆਲਰਾਈਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੁਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਚੱਲ ਪੈਗਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਮਾਨ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ यदि आपको लगे कि आपका कोई मित्र या कोई परिवार का सदस्य किसी अपमानजनक रिश्ते में हो सकता है तो बजाय खड़े रहने के और ना कुछ करने की जगह पुलिस और किसी सहायक संस्थाओं को संपर्क करें ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके पीड़ितों और बच्चों की सुरक्षा और भलाई प्रमुख महत्व रखती है बहुत से पीड़ित अपने आप को मजबूर और अकेला महसूस करते हैं उन्हें चिंता रहती है कि उन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा या वो खुद को अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए जिम्मेदार मानते हैं उन्हें डर लगा रहता है कि अत्याचार के बारे में अगर उन्होंने घर से बाहर किसी से बात की तो उन पर अत्याचार करने वाला उन्हें या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। सांस्कृतिक मान्यताएं पीड़ित को हिंसा के बारे में बात करने से रोक सकती हैं पीड़ित को यह पहचानने में भी समय लग सकता है कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है भविष्य के बारे में सुरक्षित और स्थायी फैसला लेने में तो पीड़ित को और भी समय लग सकता है याद रखें कि मुसीबत को पहचानना ही सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है और अत्याचार के लिए पीड़ित गुनहगार नहीं है सैमी किरत आई हुई आज आई हुई है मैं देखा कितने तोड़ ले नहीं नहीं मैं खुद देख लेती हूँ किरत 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 क्या हुआ रो क्यों रही हो क्या हुआ इधर उठो उठो क्या हुआ रो क्यों रही हो बताओ मुझे किरत रो क्यों रही हो बताओ मैं खुश नहीं है दीदी क्यों क्या हुआ मेरी राती बहुत बेइज्जती की थी इन्होंने हुआ क्या ऐसे पीछे बहुत अमीर हैं जो यह चाहते थे सब दिता सब कुछ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਬਤਾਓ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਗ ਹੈ
Good morning, House of Bait. Janavi speaking. Hello? Firdaus? Hello, sun rahi ho na, Janavi? Haan, ro kyun rahi ho? Kya batao? Tumhare ghar to hua so hua, par ghar jaake bhi... Kya hua? Bahut gussa kiya. Nahi, hona to nahi chahiye tha jo hua, lekin... अब क्या कर सकते हैं ना, रोने से क्या होगा? पता, उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया। मुझे तो लगता है फिर तो ये हर घर की कहानी है। तुम किरत को तो जानती हो ना, जो यहाँ काम करती है। उसके घर में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम ही कुछ बताओ, तुम ही कोई रास्ता निकालो। मैं भी वही सोच रही थी, अभी किरत को भी वही बता रही थी मैं। एक मिनट फिरदौस, मुझे आई थिंक सोल्यूशन मिल गया। अच्छा, एक मिनट, मैं तुम्हें मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। कर दिया, ठीक है? ओके, बाय बाय। हेलो मंदीप मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, बस वो एक्चुअली आपसे कोई बात करनी थी। वो मेरे घर में, समर को तो आप जानते हैं ना, घर में हमारी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। और वो किरत जो काम करती है यहाँ पे, मेरी एक्चुअली एक और दोस्त है, उसके घर में भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड पुलिस जो है वो फैमिली वायलेंस को काफ़ी सीरियसली लेती है, लेकिन आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, तो वहाँ पर बैठकर हम बात कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में कैसे आ सकते हैं? वहाँ बदनामी नहीं होगी समर की? लोग क्या कहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब ऐसे बात कर लो समर से? मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर जब तक आप मेरे को रिपोर्ट नहीं करवाते हो, लेकिन आप ये इस बात की मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हम विक्टिम की भी और अफेंडर की भी दोनों की जो प्राइवेसी है उसको बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी से डील करते हैं, तो कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। जो हमारे वहम होता है ना कि बदनामी ना हो जाए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे को इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि इट्स गुड कि आपने मेरे साथ इसको बात की, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो लेडीज़ हैं वो अंदर ही घुटती रहती हैं और कभी बाहर निकलती नहीं है इस बात को डिस्कस करने के लिए। जी, मैं बात करती हूँ किरत से भी, और फिर दोस्त से भी बात करके फिर मैं कोशिश करूँगी कि हम तीनों आके आपसे बात कर सकें। हाँ, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, जी, अगर जी। कोई ज़रूरत पड़े मैं भी फ़ोन के ऊपर उनके साथ, दूसरी जो दो लड़कियों का नाम आपने मेरे को बताया, मैं उनसे भी बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो आना कल है ना, फिर मिलते हैं पुलिस। जी जी, ज़रूर आप आइए। आप सॉरी, मैंने आप पारिवारिक हिंसा, जाति जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन अभिविन्यास या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हो सकती है। पारिवारिक हिंसा किसी का भेदभाव नहीं करती है। यदि आप पारिवारिक हिंसा का सामना कर रहे हैं, तो आपको किसी को इसके बारे में बताना चाहिए। पारिवारिक हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन मदद के लिए पूछना ठीक है। मानसिक हिंसा इन्नी खामोश ते सन्नाटे वाली हुंदी है कि यह अखां नाल दिखण वाले निशान ते जख्म नहीं छड्डदी, पर अंदरूनी भावनावां ते कदे भी ना ठीक होण वाले डूंघे निशान हमेशा लई छड्ड जांदी है। बच्चे अपने पालनहारे मापिआं या देखभाल करन वाले परिवारक मैंबरां तों जो कुछ सुणदे या वेखदे हन उही सिखदे हन। बच्चे फिर आप भी ओहो जे विहार की नकल करते हैं, परिवारक जिया वांगू बनना चाहते हैं।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ, ਅਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਥਾਈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Addressing the behavior of violent people will help break the cycle of violence, keeping our loved ones and families safe. Those responsible for family violence sometimes don't know how to ask for help or culturally feel ashamed to ask for help. Family violence is not okay, and it is okay to ask for help.